तो वहां पे जितनी भी पावर्स आती हैं, वो चाहे सुपर पावर है चाहे वो नहीं है, वो उनसे बात करते हैं। अब इंडिया ने देख लिया कि हमारे मुकाबले पे क्या कुछ वहां पे गेन किया होगा, हम वहां पे मुंह उठा के बैठे रहे हैं। हमें जगह भी जो है वो दूसरी के पता नहीं तीसरी लाइन में मिली है, दूसरी लाइन में मिली है। इंडिया के जितने वो वजीर थे, इंडिया के वजरा थे, और उसके अंदर जो किर्गिस्तान था, काजकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और रशिया, वो पहली लेन में सारे बैठे हुए थे, हम दूसरी लेन में थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो शंघाई तावन तंजीम है, उसके लोगों का एक इजलास हुआ है, और वो हुआ है रशिया के अंदर, और उसके अंदर जो है वो वज़राए दिफा इकट्ठे हुए हैं, जितने भी रुकन ममालिक थे सब के वज़राए दिफा वहाँ पे आए हैं, लेकिन माँ सवाए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, अब समझ नहीं आती कि वो वहाँ पे क्यों नहीं जा सके। पाकिस्तान में भी कोई उनकी बाजार कोई मसरूफियत नहीं थी, मलम जबा हो सकता है वो गए हों वहाँ पे कोई और चीज़ें अलाट करने के लिए देख रहे हों, या हो सकता है कि BRT की आग जो दूसरी दफ़ा लगी थी वो बुझाने चले गए, हमें क्या पता है जी, कोई अहम काम हो। ये शंघाई तावन तंजीम जो है ये चाइना का ब्रेन चाइल्ड है, और चाइना इसको बहुत ओन करता है, ये उसके दिल के करीब, इस खित्ते के इलाकों को उन्होंने इंगेज किया अपने साथ। इसके अंदर ज़्यादातर वो ममालिक शामिल हैं जो रूस की साबका रियासतें थीं, जो कि रूस के टूटने के बाद आज़ाद हुई थीं, और पाकिस्तान को इसमें ख़ास तौर पे और इंडिया को शामिल किया गया कि ये तावन बढ़ाया जाए। और चाइना जो है इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव भी है, हमने वहाँ पे हमारा वज़ीर दिफा नहीं गया, चले वज़ीर दिफा नहीं जाता, सेक्रेटरी दिफा चला जाता, नहीं गया, उनके भी नीचे का एक अफसर हमने भेजा है। अब उन्हें क्या पता कि हमारे यहाँ इन अफसरों का क्या मुकाम है, लेकिन अब दुनिया तो फेस वैल्यू पे लेती है ना कि हमारे वजीर हैं तो आपका वजीर आएगा तो हम मुलाकात देंगे, हम मीटिंग देंगे, वरना हम मीटिंग नहीं देंगे, तो लिहाजा साइड लाइन पे हमारी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। ये तो एक नुकसान हो गया। इंडिया ने वहाँ पे लॉबिंग की ना जी, चाइना के साथ उसके वजीर दिफा ने मुलाकात की, और उन्होंने वहाँ पे एक पूरा डेलीगेशन के लेवल के ऊपर उन्होंने टॉक्स की हैं, वहाँ पे दोनों अपने अपने ममालिक में वापस गए हैं ये टॉक्स करने के बाद। हमारा वहाँ पे कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अब इसकी सेंसिटिविटी इसलिए भी बढ़ जाती है कि अभी कुछ दिन पहले चीन के सदर ने पाकिस्तान का दौरा जो है वो मुलतवी करने का ऐलान किया था, और उसके बाद हमने क्या आगे से रिएक्ट किया है कि जो चीन का सॉफ्ट वैली है हमने वहाँ पे हिट किया, कि हम इसे तो बंदा ही नहीं भेजे। अब शंघाई तावन तंजीम के रुकन ममालक के वज़राए खारजा का इजलास जो है वो अगले हफ्ते, इस हफ्ते यानी कि वीकेंड पे होना है, उसके अंदर जाने का ऐलान कर चुके हैं जनाब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, पीर साईं। तो अब देखते हैं कि पीर साईं जाते हैं और किस तम तलाक से जाते हैं। अपना सैफुर रहमान साहब, ये भी तो हो सकता है कि पीर साईं ने कोई कार्रवाई करके तो इनको ना जाने दिया हो कि जब मैं वहां पे जाऊं तो बड़े तम तराक के साथ खबरें मेरी बने, है? यानी आपका मतलब कुछ दम चढ़ा दिया उन्होंने, दम चढ़ा, ये भी तो हो सकता है। अच्छा साहब, ये जो पाकिस्तान के वजीर दाखला वजीर दिफा जो हैं वो नहीं जा सके, पाकिस्तान के अंदर भी उनकी कोई मसरूफियत नहीं थी, तो एक बिटर रिस्पॉन्स गया जी चाइना को, क्या हमने रिएक्ट किया कि चाइनीज सदर ने एन आखिरी वक्त में अपना दौरा मुलतवी किया, या टीम बदलने का शाह साहब ने वाहिद हाल बता दिया? मियां सैफुर रहमान साहब, इस इलाके में इस वक्त हम वो दो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया टू फ्रंट वॉर लड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, और चाइना के हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वजीर दिफा हाईएस्ट लेवल है ना सर जी, उसके बाद तो फिर समिट शुरू हो जाता है ना, वजीर दिफा के लेवल पे इंगेजमेंट में है, और हमने वहां पे वजीर दिफा भेजा ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहूँ फॉरेन पॉलिसी में जो आपके फॉरेन पॉलिसी के पहले तो रमूज़ो सरार ही मालूम नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये मालूम नहीं है कि इसके जितने भी फॉरेन अफेयर्स के इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप और हर मौके पे आपने जो गेंस है आपने कंसोलिडेट करने हैं। ये नहीं आप कर सकते कि आप कहेंगे चलो आज नहीं भेज दे कल परसों जाके फिर कर लेंगे, ये हर इनिशिएटिव को आपने कैश कराना है, उसमें आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी है, आपने अपने अपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स जाके वो सामने आपने ऑप्शंस बतानी है कि जनाब पाकिस्तान की यहाँ पे ये प्रेजेंस है, स्ट्रेटजी के हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो इस वक्त वज़राए दिफा का जो इजलास है हम उसमें अपनी ये सजेशंस लेके आए हैं, सजेशंस वाली मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, देखे ना उनके उनको इल्ज़ाम लगा देते हैं जी फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, लेकिन हर जगह पर जाके बड़े वहाँ
हर जगह पे जाके वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं और हर चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हैं। कोई भी आने वाला इवेंट है उसकी तैयारी होती है, पॉलिसी पेपर्स बनते हैं डिफरेंट ऑप्शंस में। अब देखें ना कि खित्ते में या दुनिया में जो हमारा फॉरेन पॉलिसी के जो अमूर चल रहे हैं उनमें हम तकरीबन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमने किसी से कुछ ना कहीं से कोई हम खास कोई वो हमने गुडविल अपनी डेवलप नहीं किया, हमने ये तय किया हुआ कि हमने फेलियर की तरफ जाना है। मेरा ख्याल है कि तो फेलियर की तरफ कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बड़ा है ना हमारे वजीर आजम साहब का, मतलब उन्होंने भी 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां देखी होनी चाहिए। खुद एतमादी इतनी ज्यादा है कि कोई बात नहीं, अगर एक फेलियर हो जाता तो आगे फिर एक और सही उसको हम हल कर लेंगे, उस वहां को हम कम सही फेरेंगे, पहुंचोगे तो आपके पास एक चीन की दोस्ती है, भले चले इक्तसादी तावन है, भले उनकी अपनी शरायत पे सही कोई ना कोई शरायत तो होती है, कहीं से भी आप को वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, किसी मगरिब से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, शरायत तो आप पहले भी मानते आ रहे थे। तो चलो यहाँ से आपको कैपिटल फ्लो तो मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है, पाकिस्तान का सिविल न्यूक्लियर मुआहदा है पीसफुल चाइना के साथ, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि चाइना के मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को मैं मिला बीजिंग में, तो उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि जी चाइना की अभी टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो पीसफुल पर्पसेस के लिए है वो भी बहुत पीछे है, तो 300 मेगावाट से बड़ा वैसल नहीं आप बना सके, उनका नाउ वी आर प्रिपेयरिंग दैट वैसल। यस, और वो मैंने उन्हें पूछा कि पाकिस्तान, उनका जी हाँ पाकिस्तान जो कि हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है उसमें हम कंसिडर करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आप वजीर दफा को भेजना आपकी बड़ी अच्छी बात है, जी जी। वो एक डिप्टी सेक्रेटरी भेज देते, मैं कह रहा जाके जो कहता है कि जनाब हम तो आपके नहीं नहीं चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ गए हैं वहां पे, मैं तो वो कह रहा हूं रजा साहब तशरीफ लेके, जैसे आप कहते हैं कि मिनिस्टर्स जो हैं आपके, वो मिनिस्टर नहीं मिलते ना जी, लेकिन मिनिस्टर लेवल का ये समिट के करीब करीब आ जाता है मैं समझता हूं। जी जी बिल्कुल, और वहां में देखें सारे काम एकदम सारे एजेंडे नहीं बन जाते ना, समिट में भी जाके कोई ऐसी चीजें बन जाती हैं कि जो घंटों में इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन अपनी प्रेजेंस तो शो करनी है ना, आपने वहां पे लॉबिंग करनी होती है, लॉबिंग लोगों से मिलना होता है, लॉबिंग करनी है। और चाइना का मैंने देखा, मैंने चाइना के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंटरनेशनल अफेयर्स, वहां पे इतना काम होता है और पाकिस्तान फोकस पड़ा है, पाकिस्तान इंडिया बोथ जी, यानी ये बहुत ज्यादा फोकस है। मेरा ख्याल है कि हमें तो पता भी नहीं है शायद हमारे इधर कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है और कहाँ पे वहाँ क्या काम होता है, सही मास हुआ है कि जो हमारे कोई मीडिया के सीनियर्स या चंद एक लोग जो डेलीगेशन वहां गए हैं, सही तो इस तरह का कोई रेपो ही नहीं है हमारा वहां पे। असलान भट्टी साहब, ये वजीर दिफा को हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ था या तोपे पाया हुआ था? अरे साहब दोनों बातें करना की है यार, ऐसी अगर किसी फोरम पे नुमाइंदगी के काबल नहीं है ये शख्स तो इसे वजीर दिफा बनाने वालों को भी कोई शर्म करनी चाहिए यार। अरे साहब वो नहीं हो सकता, लेकिन मामला ये है जी कि वजीर दिफा हो सकता है कि आपने सही कहा कि मालम जब्बा में हो, वहां पे आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और वो वहाँ की जो बाकी ज़मीनें हैं रही सही उनको लौटना कहीं कर रहे हो, और उसके बाद वो चूँकि वहाँ ठंड है वहाँ से ठंडी हवा जो है वो लिफाफों में डालकर वो लेके गए हैं पिशावर BRT वहाँ जो दूसरी दफ़ा आग लगी है उसको बुझाने के लिए। अब मुझे बताइए कि हमने क्या करना क्या है, हम मेंबर बने हैं 2017 में 9 जून को, पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है और उसके साथ एक जो मुल्क है मंगोलिया, हम ऑब्जर्वर थे, हम उन्होंने मेंबर बना दिया, शंघाई 5 से हम 8 हो गए, अब 8 मेंबर आन हो गए। इंडिया ने वहां पर यह काम किया जी कि इंडिया ने जिसका दो मेंबरान रूस और चाइना है दुनिया की दो वीटो सुपर पावर जो पक्के हैं, वो तो पक्के हैं ना जी, वो तो शंघाई 5 के अंदर वो दोनों पक्के मेंबर हैं, हमें नजदीक ला रहे हैं जी, वो हमें उनको देखें, चाइना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा, हमें जरूरत ही नहीं है उसके किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। रूस के साथ हम जब से अमरीका से थोड़ा पीछे हैं, रूस हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा है और थ्रू चाइना ही आ रहा है, चाहे मान लेते हैं कि चाइना के थ्रू आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया कि हम वहां पर बिल्कुल ही नहीं गए हैं, हम किसी चले सेक्रेटरी दिफा को भेज देते हैं, वो कम से कम कोई थोड़ी सी वो फिर भी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना जी उनको पता होता है जी कि हमने किस तरह यहाँ पे आके लॉबिंग करनी है, वो नहीं भेजा उनको कोई बात नहीं, किसी और अफसर को भेज देते कोई इस किस्म का जो आपकी मिनिस्ट्री का बंदा होता, डिप्टी मिनिस्टर ही होता, कोई MLA नहीं होता, कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी को भेज देते, सेक्रेटरी को भेज देते, पार्लियामानी सेक्रेटरी चला जाता, वो चला जाता। इंडिया ने ये किया जी कि वहां पे वो चूंकि इंडिया और चाइना का जो मामला चल रहा है वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उन्होंने वहां पे चाइनीज जो फॉरेन अफेयर्स के वजीर थे और वजीर दिफा जो थे उनसे उनकी मुलाकात उन्होंने करा दी, वो चाहे रशिया की कर्टिसी पे हुई लेकिन उन्होंने कर ली वहां पे, रशिया में चूंकि मेहमान थे सारे ये सब वहां पहुंचे हुए थे, चूंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे थे, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पे थे, और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है उनका जी, और वो सदर के बाद जो है ना मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके बाद ये तीसरा, ये तीन बंदे होते हैं। ये भी देखें ना कि चाइनीज सदर जो हैं और उनकी मिसेज दोनों जर्नैल हैं,
साथ में जर्नैल का ओहदा भी इंजॉय करते हैं। जी जी ठीक है, तो वजीर दिफा के तो अंडर ही आते हैं ना जर्नैल। जी 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 ठीक हो गया। अब मसला ये जी कि वजीर दिफा हमारे एक तो माशाल्लाह उनकी अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, उनकी सेहत इतनी ज्यादा कि हम उनकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो अपना दिफा बड़ी मुश्किल से करते हैं, तो वो वहां जाके हमारा दिफा क्या करेंगे। और दूसरा, जिस दिन से मुझे बता दीजिए, ये अभी गुज़िश्ता रोज यौम फ़िज़ाइया था, उससे पहले इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, पूरे मुल्क में छुट्टी, पूरी दुनिया में छुट्टी है। हमारा 6 सितंबर था, डिफेंस डे था हमारा, हमने वो किधर है हमारे डिफेंस जो हमारे वैसे, जो वैसे कमाल की आपने तवज्जो दिलाई है कि ना वो यौम दिफा पे नजर आए हैं, ना वो यौम फ़िज़ाइया पे नजर आए हैं, और है वो वजीर दिफा, वजीर दिफा है। ठीक है, मेरा ख्याल है उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ आपने, हो सकता है बिजली आती नहीं है, वो चार्ज होए तो निकले, बिल्कुल ऐसे ही होगा रही साहब। लेकिन बात ये है कि चले चार्जिंग भी जो है वो 24 घंटे के अंदर तो उनको बैटरी फट जानी चाहिए, वैसे ही इतनी बैटरी तो नहीं होती किसी भी बंदे की, उनको भेज देते उनके साथ सारा जिसको मर्जी भेज देते, जो भी उन्होंने भेजने था डेलीगेशन उसके साथ भेज देता। लेकिन दूसरी जो हुकूमतें हैं ना दुनिया भर में, वो बात करती हैं इलेक्टेड लोगों के साथ, वो नहीं करते, जो मर्जी आप भेज दें वो अफसरों के साथ भी बहुत कम इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्टेड बंदा आएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और इलेक्टेड आदमी आएगा, तो वहां पे जितनी भी पावर्स आती हैं, वो चाहे सुपर पावर है चाहे वो नहीं है, वो उनसे बात करते हैं। अब इंडिया ने देख लें कि हमारे मुकाबले पे क्या कुछ वहां पे गेन किया होगा, हम वहां पे मुंह उठा के बैठे रहे हैं, हमें जगह भी जो है वो दूसरी के पता नहीं तीसरी लाइन में मिली है, दूसरी लाइन में मिली है। इंडिया के जितने वो वजीर थे, इंडिया के वजरा थे, और उसके अंदर जो किर्गिस्तान था, काजकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और रशिया, वो पहली लेन में सारे बैठे हुए थे, हम दूसरी लेन में थे। जब वो क्या ग्रुप फोटो बनाया गया तो उसमें वो हमारे प्रोड्यूसर साहब को मिल नहीं सका, मेहनत नहीं हुई, कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन वो SCO रशिया SCO समिट जो है इस वक्त मौजूद है उसका पेज, और उसमें ये सारी तस्वीरें जारी हो रही हैं, उसमें भी पीछे हम एजेंडा भी जारी हो रहा है, और वो जो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है मेन तस्वीर के तौर पर, उसमें हम सफे अव्वल में नहीं है। कहीं चीन उनकी छेड़ तो नहीं पर खटक साहब की? ये अब मेरा ख्याल है चीन तो पूरी PTI की छेड़ बना हुआ है, इकदार में आने से पहले भी वो चीन के बारे में जो ख्याल आते आ रही है, चीन जाना है वो लड़ पड़े होंगे। लेकिन वो धरने में जो वो करते थे ना खिदमात सर अंजाम दी हुई है उन्होंने, नास भी करते थे, वो नाकाबले फरामोश है उनकी, उस चीज का वजीर बनाना चाहिए। जी जी खिदमात का।